हेलो गाइस, स्मॉल फैमिली में आपका स्वागत है। ये देखिए, मैंने पोंचो बनाया है 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए मोतियों से। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से है। ये पोंचो मोती लगा के मैंने इसे बनाया है। और ये देखिए, चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, किस तरह बनता है। और ये देखिए, बहुत ही जल्दी बन जाता है। हर साइज़ में ये छोटे बड़े हर एक उसमें बन जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये कुछ इस तरह है। उनके उसमें गले में इस तरह डाल के ये इस तरह आ जाएगा। ये देखिए, चलिए हम बनाना इसको स्टार्ट करते हैं कि किस तरह बनाना। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। और ताकि मेरी पहली वीडियो देखने के लिए आपको सबसे पहले मिले। ही देखिए, पूरा मैंने मोती इसमें कितने अच्छे से लगाया है इसमें। और इसे मैंने सुई से नहीं टांका है, इसे मैंने सब क्रोशिए से ही बनाया है। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये पोंचो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये देखिए, ये ऊन है और ये क्रीम कलर की ऊन है। इसमें मैंने इस तरह के मोती पिरो रखे हैं। इस सबसे छोटे साइज़ में ये वाइट रंग के मोती हैं। और मैं कोई भी ड्रेस बनाती हूँ तो 12 नंबर के क्रोशिए से ही बनाती हूँ। ये देखिए, चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं कि ये ड्रेस किस तरह बनती है। मैं आपको 4 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना बताऊँगी, पोंचो किस तरह बनती है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस और बाईस। ये हमारी 22 चैन हो गई। आप कभी भी किसी भी लड्डू गोपाल के लिए बनाए तो ये चैन इस तरह करके उनके गले पे इस तरह करके आप नाप लेंगे तो सबसे आसान होगा। और उनको डालने में भी पता चल जाएगा कि टाइट है कि कैसा है। अब ये देखिए, अब हमें इसे चैन को बिल्कुल सिधाई से ऐसे करके, बिल्कुल मुड़नी नहीं चाहिए ये। अगर ये मुड़ जाएगी तो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह करने के बाद इसे यहाँ से हम इसे फर्स्ट वाले में जॉइंट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा जॉइंट हो गया है। हाँ, अब हम इसी में ही हमें पफ बनाने हैं। एक, दो, ये देखिए, इस तरह। फिर इसे में एक, दो, दो की चैन लेंगे। और फिर हमें इसी में ही एक और बनाना है। एक, दो, तीन, चार। आप ये पफ आप मोटी पतली ऊन के हिसाब से ले सकते हैं। आप 3 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं। देखिए, कुछ ये हमारा इस तरह आएगा। ये देखिए, अब हमें हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, हमको हर एक उसमें चैन में इस तरह सिंगल क्रोशिया सब में बनानी है। हर एक चैन में गिन के, एक, दो, तीन,
ये 9 लास्ट हमारा, ये 10। 10 के बाद फिर हम पफ बनाएंगे, 1 2 3 देखिए 4 ऐसे निकालेंगे ऐसे, फिर 1 2 दो की चैन, फिर इसी में ही हम एक और बनाएंगे, 1 2 3 4 फिर इस तरह करके, फिर अब इसी के साथ वाली चैन में सिंगल क्रोशिया 10 बार, 1 2, ये पूरा राउंड हमारा इसी तरह बनेगा, 2 3 4 5 6 10। 10 हमारे इधर हो गए, 10 इधर हो गए, फिर हम ये लास्ट वाली इस चैन में इसे जॉइंट कर देंगे। ये देखिए ये हमारा कुछ ये इस तरह ये बनेगा। अब देखिए इसे यहाँ ऐसे करके इसे जॉइंट करेंगे, फिर यहाँ हम पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 एक हमारा ये था तो 4 हो गए, 1 2 हर बार हम 2 की चैन लेंगे, 1 2 3 4 ये देखिए, फिर इसी के ठीक साथ ये जो हमने पफ बनाया इसके ठीक ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे, 1 2 अब ये हमारे इधर बढ़ जाएंगे इस वाले राउंड में, 3 4 5 6 7 ये वाला राउंड भी हमारा इसी तरह कंप्लीट होगा, लेकिन बस इसमें है कि ये बढ़ता जाएगा। अगर आपको ये पोचो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना बस कि आपको ये पोचो कैसी लगी, सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ये देखिए फिर हम इसमें बनाएंगे पफ स्टिच, तो 3 एक हमारा होता 4 हो गए, फिर इसमें 1 2 फिर एक हमारा पफ के ऊपर जो है इसमें एक बन जाएगा, तो हमारे बढ़ जाएंगे।
देखिए, और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। अब इसमें मोती लगाएंगे हम, एक राउंड और करेंगे। आप छोटे बड़े हर साइज में इसे बना सकते हैं। ये देखिए राउंड, मेरा ये तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, अब मैं इसको यहाँ पे जॉइंट करूँगी, इसको तीसरी वाली चेन में। ये देखिए, ये कुछ हमारा ये इस तरह बनेगा। ये देखिए, ये आप अगर 5 नंबर के लिए बनाएंगे तो इसमें 4 लाइन डालना, मैंने ये 3 डाली है, 1 2 3। अब यहाँ हम धागा दूसरा ऊन दूसरी लगाएंगे, इसको हम यहीं कट कर देते हैं। ये देखिए इस तरह। अब यहाँ हम ये क्रीम कलर की लगाएंगे, जिसमें मैंने ये मोती इसमें प्रो रखे हैं। अब हम यहीं से जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। अब इसमें 2 चेन बना लेंगे। अब इसमें हमें पफ बनाना है। ये देखिए, 1 2 3, एक हमारा पहले का था, ये हमारे 4 हो गए। इस तरह मोती हम आगे लाएंगे। ये देखिए इस तरह मोती हम आगे लाएंगे, फिर इसको इस तरह लॉक करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें एक और पफ बनाएंगे। 1 2 3 4। आप चाहें तो हर एक उस मोती को इस तरह आगे करेंगे तो ये है हमारी मोती लगी रहेगी। आप चाहें तो इसे हर पफ पे लगा सकते हैं या बीच बीच में भी लगा सकते हैं। ये मैं आपको एक एक लगाना बता रही हूँ। ये देखिए, फिर इसके बाद हम ये जो पफ के साइड में होल है इसमें बनाएंगे। 1 2 3। फिर देखना 4। इसको ऐसे निकालेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा हमारा। फिर मोती हम आगे लाएंगे, इसको इस तरह करके इसे इसमें लॉक लगा देंगे। फिर इसी में एक पफ और बनाएंगे। 1 2। आप चाहें तो इसे सुई की उससे भी लगा सकते हैं, सुई की मदद से, आपको जैसे आसान लगे। 3 4। ये देखिए ऐसे निकाला, इसे आगे किया मोती को। ये देखिए हमारा कुछ इस तरह ये आएगा। मैंने इसमें हर एक उसमें लगाई है मोती, और मैं आपको बीच बीच में लगाना बता रही हूँ। आप अपने चॉइस के हिसाब से मोती लगा सकते हैं। और उसके बाद फिर हम एक छोड़ेंगे और दूसरे में पफ बनाएंगे। ये देखिए, दो तीन चार। ये देखिए इस तरह का हमारा पफ आएगा। फिर मोती लगाएंगे, इस तरह लॉक करेंगे। देखिए फिर इसी में हम एक और बनाएंगे। 1 2 3 4। इस तरह करके मोती आगे लाएंगे। ये देखिए, ये पूरा राउंड हमारा इसी तरह कंप्लीट होगा। मैं इसको आपको बना के भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह पूरा राउंड कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करना कि आपको ये पोचो कैसा लगा। मैं अगले वीडियो में आपको कैप बनाना बताऊंगी, उसमें भी मोती लगा के कि किस तरह कैप बनती है मोती लगा के। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखिए अभी मैं आपको पूरा करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा राउंड पूरा होने वाला है किस तरह, अभी मैं आपको दिखाती हूँ।
इस मोतियों को इस तरह लॉक लगा लेंगे। आपको अगर इस तरह दिक्कत हो रही है तो आप सुई से भी इन्हें टांग सकते हो, लेकिन इस तरह से ऐसे लगाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगे और सीधे सीधे एकदम लाइन में ही आ जाएंगे। ये देखिए, इसको ऐसे निकाल के मोती को आगे करिए। ये देखिए, ये हमारा पूरा लास्ट राउंड चल रहा है। देखिए दो तीन, ये चार मोती को आगे किया। देखिए अब ये लास्ट वाली जो हमने चैन बनाई थी, इसमें हम इसको हमारा ये पहुँचो इस तरह बन के तैयार है। ये देखिए, इसमें मैंने डबल मोती लगाई हैं, इसमें मैंने सिंगल मोती लगाई है। आप अपने चॉइस के हिसाब से मोती लगा सकते हैं। ये देखिए देखिए, अगली वीडियो में मैं आपको कैप बनाना बताऊंगी ऐसे मोती लगा के, कि वो कैप किस तरह बनती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मेरा पोंचो कैसा लगा, और ये हर साइज़ में मैं आपको बनाना बताऊंगी। और ये लड्डू जी पहन के तो बिल्कुल बहुत ही सुंदर लगेगा इसके साथ की मैं कैप अगली वीडियो में आपको बनाना बताऊंगी। अगर आपको ये अच्छी लगे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। ये देखिए दोनों कितनी सुंदर लग रही हैं दोनों पोंचो। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं दोनों की दोनों। मैं अगली वीडियो में आपको कैप बनाना बताऊंगी। ये देखिए इस तरह, ये देखिए दोनों पोंचो सेम साइज के हैं। आपको छोटी बड़ी बनानी हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको बनाना बताऊंगी वे किस तरह बनती हैं। राधे राधे।